एक बार फिर से रेडियो बनते हुए जैन साहब दूरदर्शन पर नहीं, आज जैन साहब स्वागत है, गुड मॉर्निंग, बताएं सर जेम्स टॉक। यस वेरी गुड मॉर्निंग अनिल, क्षमा चाहूंगा वापस से रेडियो पे। नहीं नहीं क्षमा की बात नहीं है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, जिस दिन आप रेडियो पे होते हैं उस दिन आप है ना एकदम टाइम से, दूरदर्शन वाले में कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है ना कनेक्टिविटी, रेडियो पे क्या फोन उठाए लग गए कनेक्ट हो गए, हाँ तो इसलिए उसका भी फायदा है सर, कोई टेंशन नहीं, बताइए। ठीक है सर, तो आज वो वर्क फ्रॉम ससुराल नहीं है, आज वर्क फ्रॉम कार है, अनिल जी ऑन द वे टू जयपुर हूँ, अच्छा पहुंचने वाला हूँ, ओके, तो शाम का शो तो मैं लाइव ही करूंगा 7:30 बजे वाला। अच्छा अच्छा, अभी जो स्टॉक मैं लाया हूँ वो है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। मैं कल भी स्टॉक को देख रहा था बट कल ये स्टॉक चला हुआ था, फिर शाम को मार्केट थोड़े सुस्त हुए तो ये थोड़ा नीचे बंद हुआ, बट आज भी वैसे ठीक चला हुआ है। बट कोठारी पेट्रोकेमिकल्स एक बढ़िया स्टॉक है, देखिए इस स्टॉक को मैंने पहले भी दिया हुआ 3 बार और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं, और आज का जो टारगेट है वो 80-85 रुपया का दे रहा हूँ मैं। हालांकि जब से मैंने रिसर्च की और स्टॉक को आइडेंटिफाई किया तब से ये दो पिछले मार्केट्स में कुछ माहौल बना हुआ था स्मॉल कैप मिड कैप का, तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट किया, बट सबसे बढ़िया बात यह कि 124 के हाईज दिखाया हुआ ये स्टॉक है और 52-week हाईज है 95 रुपीज, वहां से अच्छा खासा लेवल पे आज मिल रहा है, मार्केट हाईज पे है, कंपनी के नेट प्रॉफिट हाईज पे है, टॉप लाइन हाईज पे है, मगर स्टॉक प्राइस हाई पे नहीं है, क्योंकि जनरली जो सेक्टर को ये कैटर कर रहा था वहां पे थोड़ी सुस्ती थी, बट अब वहां पे भी माहौल बन गया है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ल्यूब्रिकेंट्स वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, जैसे कि कैस्ट्रोल की बात कर लो या टाइड वाटर की बात कर लो, कल वह सब चले हुए थे, या बामेरोल जो बनाती है बामर लॉरी, ये सब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ल्यूब्रिकेंट्स वाले स्टॉक। और मतलब आप ये देखिए कि इसके जो यूसेज है, जो पॉली आइसोब्यूटेलिन ये लोग बनाते हैं, 1990 से कंपनी कार्यरत है और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और एचसी कोठारी ग्रुप जिनकी कोठारी शुगर्स भी है, साउथ बेस्ड ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है इनफैक्ट, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्रीज है कंपनी के। और सबसे बढ़िया बात है जितने भी लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर इंडिया के और टूटी ल्यूब ऑयल्स जो बनाते हैं, जैसे लुब्रिजॉल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस है, जहां पे लोग सिंगापुर में भी एक कंपनी को देते हैं, सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी इनकी चेन्नई में है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, क्योंकि मैं देख रहा था इनके वेबसाइट में तो कंपनी ये क्लेम करती है कि इनकी जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि अब जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ते है, 10 के PE मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, 29-30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटीज 22%, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 31% रही है, सेल्स की कैगर 21%, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी देखें तो वहां पे भी सस्ता है, सिर्फ 2 times पे चल रही है बुक के। और जो मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहा था, सो मार्जिन्स बहुत बढ़िया बढ़ के आए थे इस बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जनरली ये 14-15% के लगभग कमाती है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, बट मार्च 2022 में एक बार डिप आया था 10%, बट उसके सामने पिछले 2 quarters में वापस से रिवाइव करके 14% तक पहुंच गई है। टॉप लाइन हाईएस्ट था 137 करोड़ का टॉप लाइन, और बॉटम लाइन 13 करोड़ का जो पैट था इस क्वार्टर में वो हाईएस्ट था, सो ओवरऑल 39 करोड़ का बॉटम लाइन टीटीएम बेसिस पे कमाया है मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ, और 500 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन, और इस तरीके से मुझे लगता है कि ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे है, अच्छा खासा करेक्ट किया हुआ अपने 200 डेमास के ऊपर 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों अच्छे खासे मर्ज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 85 से 90 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 85 से 90 का टारगेट, जैन साहब वैसे बात करते करते पहला टारगेट हिट हो गया है सर, 76 के आसपास आपने बात करना शुरू करा था, फिलहाल 81 पर है बट पहले टारगेट के करीब ही आ चुका है, कुछ टारगेट रिविजन करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, एक बार 90 रुपीज तो रखे, 90-95 हाईज भी है तो देखते वहां तक वापस जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 80 के तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, तो अब 90-95 का टारगेट रख लीजिए और थोड़ा डिप मिले तो बेहतर रहता है, जैसे जैन साहब कह रहे हैं ऑलरेडी मूव आ चुकी है तो एंट्री भी अपनी फिर आप अकॉर्डिंगली करें। बट शुक्रिया जैन साहब जुड़ने के लिए, ट्रैवल कर रहे हैं बट उसके बीच आपने वक्त निकाला और अपने जेम स्टॉक्स शेयर भी करें।